हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बीएड का सब्जेक्ट समकालीन भारत तथा शिक्षा के बारे में हम कर रहे हैं, और इसमें हम भारत में शिक्षा आयोगों और नीतियों की समीक्षा करते हैं। तो अब तक हमने कई नीतियों और कई आयोगों का समीक्षा हमने कर लिया है। मुदालियर आयोग हमने लास्ट किया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कुठारी आयोग हमने किया है, सार्जेंट रिपोर्ट किया है हमने, बेसिक शिक्षा योजना कर लिया है और मैकाले का भी कर लिया है। तो मैकाले के साथ साथ ही उसी टाइम पीरियड के लगभग इसका भी रिपोर्ट था, एडम रिपोर्ट। ठीक है, तो पहले एडम रिपोर्ट आया और बाद में मैकाले रिपोर्ट आया, दोनों का कंपैरिजन किया गया। तो जो वहाँ के जो उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका एडम रिपोर्ट को रिजेक्ट करके मैकाले का एक्सेप्ट कर लिया। चलिए देखते हैं इसने अपने रिपोर्ट में, एडम रिपोर्ट ने ऐसा क्या कहा था। ठीक है, तो एडम रिपोर्ट के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। एडम रिपोर्ट की विशेषताओं का वर्णन करो एवं उसकी सिफारिशों को दर्शाओ। तो पहले हम परिचय कर लेते हैं एडम कौन थे। एडम एक सच्चे समाज सेवक, विद्वान और शिक्षाविद थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा द्वारा ही भारतीय समाज का विकास किया जा सकता है। और एडम एक मिशनरी थे। मिशनरी आपको समझो धर्म का प्रचार करते हैं, अपने देश के बारे में बताते हैं, तो वो मिशनरी थे। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उनको बंगाल और बिहार प्रांत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था। ठीक है, तो एडम ने 1835 से 1838 तक बंगाल की शिक्षा स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। तो आपको ये इसके बारे में क्लियर हो गया होगा कि एडम कौन थे और उन्हें किसने भेजा था और क्या करने के लिए। बंगाल और बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसका सर्वेक्षण करने का सौंपा। इन्होंने 1835 से 35 तक बंगाल की शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण किया। ठीक, तो एडम ने इसमें 3 प्रतिवेदन इसी अध्ययन के फलस्वरूप दिए। एडम ने तीन प्रतिवेदन इसी अध्ययन के फलस्वरूप दिए। इन तीनों रिपोर्टों में उन्होंने एडम ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत किए। तो इन महत्वपूर्ण इतिहास समागम के साथ साथ काफ़ी सारे विचार और सुझाव भी इसमें थे। ठीक, तो हम कर लेते हैं एडम की प्रथम रिपोर्ट। ठीक है, जो कि कब आई थी, 1835 में। एडम ने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत की। एडम की रिपोर्ट में 3 मापदंड निम्नलिखित थे। पहला कि जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या है, ये भी अच्छी बात की इन्होंने कि जितनी जनसंख्या है उतनी संस्थाएं होनी चाहिए ताकि हम शिक्षा जो है जन जन तक पहुंच सके। शिक्षा का स्वरूप के बारे में इन्होंने बताया कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण, एडम ने बंगाल की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन इन्हीं मापदंडों का ध्यान में रख के किया। तो उन्होंने जब बंगाल का जो किया उन्होंने सर्वेक्षण, तो उन्होंने पाया कि बंगाल और बिहार में 400 व्यक्तियों की एक पाठशाला है। ठीक है, तो मैं समझा रही हूँ तो आप बस सुन लो बस। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो बंगाल की शिक्षा के अंतर्गत एडम ने देखा कि बंगाल और बिहार में 400 व्यक्तियों की एक पाठशाला है। ठीक है, 400 बालकों की शाला में केवल 63 बालक थे। 400 लोगों के लिए है लेकिन बच्चे कितने थे, 63 ओनली। ठीक है, बंगाल और बिहार में 1801 में सर्वेक्षण किया गया था कि उन्होंने 63 बालकों के लिए एक देसी शाला थी। ठीक, और ज़्यादातर पाठशाला उस समय की निम्न स्तरीय थी, यानी कि ज़्यादा उच्च स्तरीय की नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि उसमें ये ऐसा, मतलब कि बंगाल के बारे में कहा कि यहाँ पर ज़्यादातर निम्न स्तर का है और छात्र जो है पढ़ने से पहले ही विद्यालय छोड़ देते थे ये सब। तो इन्होंने फिर एडम ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट बनाई, जो कि कहाँ की थी ये देखते हैं। एडम की दूसरी रिपोर्ट 23 दिसंबर 1836 को तैयार हुई। ठीक, तो एडम की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार उसने राजशाही जिला नेटोर के थाने का बारीकी सर्वेक्षण किया। तो दूसरा रिपोर्ट किसके लिए था, नेटोर जिले के लिए। ठीक है, जो उसका थाने का बारीकी सर्वेक्षण किया। पहली रिपोर्ट की सीमाओं को उसको तोड़ने सर्वेक्षण का उद्देश्य था। इसमें इन्होंने नेटोर जिले में ये निम्नलिखित जो है इनकी जो है बातें सामने आई कि उसमें जो है मुस्लिम विद्यालयों की संख्या जो है 17 थी, उनमें से 4 में फारसी पढ़ाई जाती थी और अरबी भाषा हेतु 20 छात्र थे उसमें। 11 विद्यालयों में अरबी पढ़ाई जाती थी। ठीक है,
और दो शालाएं ऐसी थी, यानी कि स्कूल ऐसे थे जिसमें बंगाली तथा फारसी पढ़ाई जाती थी। हिंदू प्राथमिक पाठशालाएं भी थीं जो कि 11 थीं, जिनमें 192 छात्र पढ़ते थे। तो नेटवर्क जिलों में जमींदारों की लड़कियों के छोड़कर बाकी कोई लड़की या कोई स्त्री शिक्षित नहीं थी। तब एडम ने तृतीय रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की जो कि 1838 में की उन्होंने। इसमें उन्होंने शिक्षा संबंधी प्रस्ताव और तथ्यों को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान देसी संस्थाओं का ही शिक्षा प्रसार के लिए उपयोग किया जाए। और यहाँ पर उन्होंने देखा कि हिंदू और मुसलमान दो प्रकार के अलग अलग स्कूल जो हैं चलाते हैं अपना। एक धार्मिक संस्थाओं का ही अंग होता है, दूसरा वे जिसके धर्म के साथ है किसी प्रकार का संबंध नहीं है। दो तरह के स्कूल होने चाहिए, एक तो जो सिर्फ धर्म से रिलेटेड है जिसमें हिंदू का धर्म हिंदू वाले हिंदू सिखाते हैं, मुस्लिम वाले मुस्लिम सिखाते हैं, और एक वो स्कूल होता है जो धर्म के आधार पर नहीं होता बल्कि हर धर्म के लोग उसमें पढ़ते हैं। तो एडम ने कहा कि हमें दूसरे वाले स्कूल का ही उसमें सुधार करके दूसरे प्रकार के ही जो है संशोधित करके उन्हें हिंदू मुसलमान जनता की शिक्षा का साधन बनाना चाहिए। देसी भाषा शिक्षण को शैक्षिक योजना का अनिवार्य अंग बना चाहिए। यह बात हो रही है 1835-38 की। तो उस समय अंग्रेजी सबको आती नहीं होगी और शिक्षा का ध्यान अंग्रेजों ने ही उठाया था, उस पर अंग्रेज थे। उन्होंने कहा जो लोगों को अगर पढ़ाना है तो देसी सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाए ताकि वो उन्हें पढ़ने में रुचि पैदा हो। तो देसी भाषा शिक्षण को शैक्षण योजना का अनिवार्य अंग बना दिया गया। भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए ग्रामीण शिक्षकों तथा देसी शालाओं द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रयोग को एक से अधिक जिलों में लागू करना चाहिए। चौथा इन्होंने कहा अपने तीसरे रिपोर्ट में एडम ने कि प्रत्येक जिले में शैक्षणिक सर्वेक्षण होना चाहिए। इस सर्वेक्षण से यह पता लगेगा कि जिले की जनसंख्या, शिक्षा पाने योग्य बालकों की संख्या, वर्तमान शिक्षा सुविधाएं आदि का पता लग सकेगा। तो मेन काम जो शैक्षणिक सर्वेक्षण करना है। उसके बाद शिक्षकों की समय समय पर परीक्षा ली जानी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें योग्यता अनुसार पारितोषिक वितरण करने की व्यवस्था की जाए। इससे शिक्षा संस्थाओं और शिक्षकों के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित होगा। विलियम एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना। अब इस एडम ने उन्होंने ये सब रिपोर्ट देने के बाद अपनी योजना क्या तैयार की, क्या स्कीम लेके आए। तो एडम वैसे प्राच्यवादी विचारधारा का था। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी मैंने आपको पहले थोड़ा सा समझा रखा था वीडियो में मैकाले में, ठीक है। तो मैं इसका एक अलग से टॉपिक भी बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब अभी आपको मैं बता दूं प्राच्यवादी यानी कि भारतीय ईस्टर्न कल्चर, ठीक है, पूर्वी संस्कृति, और पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न कल्चर। तो एडम जो है प्राच्यवादी विचारधारा का था। एडम ने संस्कृत व बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया था। उसके द्वारा भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था की बड़ी आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था वहाँ की भाषाओं के माध्यम से ही की जा सकती है। जन शिक्षा योजना को एडम के अनुसार निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया। पहला कहा कि भारतीय भाषा साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीयों की भाषाओं द्वारा करवाया जाए। भारत में जन शिक्षा के विकास के लिए यही आवश्यक है। दूसरा, भारत कृषि प्रधान देश है तो यहाँ होने के नाते तो यहाँ पर कृषि शिक्षा की व्यवस्था भी की जाए। उसके बाद सरकार की तरफ से भी सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाए। छात्रों की शिक्षाएं निर्धारित समय पर पूरी करवाई जाए। प्राच्य भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भारतीय तथा पाश्चात्य विशेषज्ञों की सहायता से करवाया जाए। उसके बाद शिक्षकों तथा विद्यालयों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक निरीक्षक नियुक्त किया जाए, ठीक है। उसके बाद इस योजना को कार्य रूप में परिणित के लिए शुरू में इसे कुछ जिलों में शुरू किया जाए और धीरे धीरे समस्त जिलों में चलाया जाए। अब एडम रिपोर्ट का मूल्यांकन, इसके क्या गुण और क्या दोष थे। तो इसके एडम भारत में जन शिक्षा का सच्चा पक्षधर था। वो चाहता था भारत में जन शिक्षा अच्छे से लोगों तक पहुँचे। ये नहीं, मैकाले की तरह नहीं चाहता था कि निसंदेह थ्योरी यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी कंसेप्ट जो है काम करे, ठीक है, कि ऊँचे लोगों को पढ़ाया जाए बाकी लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो इस पक्ष में नहीं था, तो ये तो सही था। वैसे जन शिक्षा का सच्चा पक्षधर था एडम ने। जो भी सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की उसमें दो जो एकदम महत्वपूर्ण है कि उन्होंने बंगाल और बिहार का सर्वेक्षण किया और उन्होंने कहा कि 1,00,000 स्कूल है, ठीक है, लेकिन जबकि पूरी तरह से सर्वेक्षण नहीं किया, इसलिए इनको गलत कह दिया गया। चलो फिर भी देखते हैं कि एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना भारतीयों के लिए उपयुक्त
होते हुए भी एक अधूरी योजना है। इसमें निसंदेह सिद्धांत का विरोध किया गया, ठीक है। निसंदेह सिद्धांत किसका है? मैकाले का, लॉर्ड मैकाले का। तथा भारतीयों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का समर्थन किया गया। साथ ही इसमें देसी स्कूलों की दशा सुधारने और स्कूलों के शिक्षकों के वेतन बढ़ाने, उनके प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करने और सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया। तो ये इसके गुण हैं कि एडम रिपोर्ट में क्या क्या गुण हैं जो कि भारतीयों के लिए एकदम सर्वथा सही था। लेकिन इसके बावजूद भी इस योजना को अधूरा, इसी योजना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो इस शिक्षा योजना में भारतीयों की शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए गए और ना ही उनका पाठ्यक्रम निश्चित किया गया। जैसे मैंने आपको पहले के सभी बताए हैं कि पहले उसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए किसी भी आयोग का, ठीक है, और क्या उसके पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद इस शिक्षा योजना में ग्रामीण स्कूलों को भूमि देने की बात कही गई, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि यह भूमि कौन देगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। उसके बाद एडम योजना की अस्वीकृति हो गई। इसकी कैसे हो गई? एडम ने अपनी रिपोर्ट 1835, 1836, 1838 में प्रस्तावित की थी। मैकाले ने भी अपने विवरण पर शिक्षा नीति 1835 में प्रस्तावित की। उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड ने दोनों को बारीकी से अध्ययन किया और उन पर विचार विमर्श करके इस पर निष्कर्ष निकाला कि जेन देश के लिए जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि उतने उस समय पैसे नहीं थे और देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, ठीक है, सीमित साधन भी थे। और देखते हुए एडम का जो द्वारा प्रस्तुत योजना था कि जन को जन जन को शिक्षा पहुँचाना, उसमें काफ़ी खर्चा आता, इसे उसको अस्वीकृत कर दिया गया। और मैकाले द्वारा प्रस्तुत निसंदेह सिद्धांत को लागू करने का फैसला लिया गया। देश की स्थिति अच्छी ना होने के कारण लॉर्ड ऑकलैंड को एडम की योजना अस्वीकृत करनी पड़ गई, ठीक है। तो आप इसके बाद समझ सकते हो एडम रिपोर्ट को क्यों अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपको मैकाले वाला, इसके बाद का जो आयोग है लॉर्ड मैकाले का है, मैकाले का विवरण पत्र जो कि मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। गुड लक।